हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही खास होने वाली है सबके लिए। सबके लिए तो नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं है, ओनली लेडीजों के लिए है। तो लेडीजें मेरी वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है कि मैंने वीडियो में क्या क्या बोला है। तो वीडियो में जो नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि किस किस ने वीडियो देखी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, और अगर लेडीजें देख रही हैं तो लेडीजें फुल वॉच कीजिए मैंने इसमें क्या क्या बताया है, तो ये आप लोगों के लिए है। और ये मैंने स्पेशल लेडीजों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि मैं खुद एक लेडीज हूँ और मेरा जो फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने कहा चलिए मैंने जो नुस्खा अपनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आपको भी कुछ लाभ मिल जाए मेरी वजह से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या किया है। पहले मैं बात करती हूँ लेडीजों के बारे में। हमारी जो सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि प्रेगनेंसी के बाद सबसे ज्यादा वेट बढ़ जाता है महिलाओं का, और ये सब चीजें तो महिलाओं को झेलनी ही पड़ती है क्योंकि ये डिलीवरी के बाद हमारा जो वेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और हम लोगों को इतना टाइम नहीं लग पाता है कि हम अपनी जो वेट को कम कर सकें या फिर हम कोई एक्सरसाइज कर सकें या फिर हम कोई योगा कर सकें, क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मुझे खुद नहीं लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे में, हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं और हमारी एक्सरसाइज भी नहीं हो सकती है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज कोई योगा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ओनली घरेलू नुस्खा अपनाइए, घरेलू नुस्खे से आपका जो वेट है वो बहुत कम होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ क्योंकि मैंने खुद से आजमाया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें दो तीन चीजें चाहिए जो सबके किचन में अवेलेबल रहती है। सबसे पहले चाहिए हमें अदरक चाहिए, नींबू चाहिए, जीरा चाहिए और हनी चाहिए, यानी कि शहद चाहिए। तो ये जो चार चीजें वो सबके पास रहती है। हमने सबसे पहले क्या करना है, गैस में पानी गर्म करने के लिए रख देना है। पानी हम ले सकते हैं 2 गिलास, ले लो 2 गिलास, में से उसको आधा गिलास तक हमने बॉयल करना है। जब वो गुनगुना हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए, और जब ये गुनगुना हो जाता है अदरक को आपने कद्दूकस करके रख लेना है और उसका जो रस है वो रख लेना है, नींबू का रस है वो निचोड़ लेना है, जीरा ले लेना है 1 चम्मच और 1 टीस्पून आपने शहद ले लेना है। शहद को आप स्किप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कई लोग शहद खाते हैं कई लोग नहीं खाते हैं मीठे की वजह से, तो वो आप लोग देख लीजिए, मैं तो खा लेती हूँ तो वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये चारों के चारों चीज़ें आपने मिक्स करके रख लेनी है और सुबह शाम आपने इसका सेवन करना है। और जब आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करोगे तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन ही इस्तेमाल करा और हो गया, नहीं, आपने इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, फिर इसका रिजल्ट देखिए आपको कैसा लगता है। अगर आपको थोड़ा भी फायदा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको जरूर फायदा होगा और वेट तो कम होगा ही, साथ में पेट का जो वेट है वो सबसे ज्यादा लॉस होगा। करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक।